राम राम भाई, सभी भाइयों को एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑल इंडिया अंडर हैंड वॉलीबॉल पे स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं भाई जॉन सीना, जो कि पटौदी से हैं और मामड़िया टीम में अधिकतर खेलते हैं। भाई ने हमारे चैनल पे टाइम निकाला, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब भाई का इंटरव्यू लेंगे, जो भी शूटिंग वॉलीबॉल में खेले हैं, एक्सपीरियंस उनका जो भी रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर भाई जॉन सिन्हा, राम 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 सभी भाइयों ने। भाई और आपका स्वागत है भाई चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने टाइम नहीं। हम पूछते हैं भाई जॉन सिन्हा से, भाई जॉन सिन्हा, जो टूर्नामेंट देखा जाता है, सभी देखते हैं कि टूर्नामेंट लेट स्टार्ट होते हैं, उसका क्या कारण है, किस कारण वो लेट स्टार्ट होते हैं, 8-9 बजे स्टार्ट होते हैं शाम को, तो थोड़ा बताएं प्लीज़ इसके बारे में। भाई, जो टूर्नामेंट लेट हो रहा है, सबसे बड़ी कमेटी गलती होती है। जो कमेटी क्या करती है कि बड़ी टीमों के पास फ़ोन करती है और उनसे टाइम लेती है कि भाई क्या नाम से आपने 6 बजे तक आना है। तो वे क्या करेंगे, फ़ोन आने के बाद कि वो पहले बहाना मार देती है कि भाई अच्छा मेरा टाइम तो 9 बजे लगेगा, 10 बजे लगेगा, भाई हम तो नहीं आ पाएंगे, 10 बजे तक आ सकते हैं। तो बिल्कुल ऑटोमेटिक वे झूठ बोलते हैं और फिर अच्छा कमेटी कहती है कि ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप आ हाँ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बिल्कुल भाई। साहब, ये जो बड़ी बड़ी टीम है ना, यही लेट करती है। नहीं, और ये जो आयोजक करता है उनसे मेरा कहना है कि प्लीज़ इसमें सुधार करें ताकि समय से टूर्नामेंट संपन्न हो सके। बहुत अच्छी बात कही भाई जॉन सिन्हा थे। नेक्स्ट पूछना चाह रहा हूँ भाई, जो फॉर्मेट होता है हमारे मोस्टली हरियाणा में, जो 5-2 का, जैसे 5 पंचायती 2 बार के, या फिर 6-1 का, या फिर प्योर पंचायती या ओपन जो टूर्नामेंट होते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा फॉर्मेट अच्छा है आपके नज़र से? भाई देखो, जिसकी गांव की टीम है उसके लिए तो फॉर्मेट बढ़िया है। मेरे गांव में खेलते नहीं और मैंने तो सबसे बेस्ट लगा है ओपन टूर्नामेंट, अच्छा क्योंकि अच्छा फॉर्मेट में ये हो रहा है आजकल, आदमी है ना आईडी बनवा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 50 रुपये में आईडी बने हैं और आईडी बना के खेल रहे हैं, ठीक है। और इससे बेटर है ओपन टूर्नामेंट करवाओ बिल्कुल भाई, या सही सेंटर बात का है। नाम कर दो, घनी दिक्कत आए तो भाई जो नामीकरण में आता सेंटर है वे साथ ना खेले, वो सबसे अच्छा, बेस्ट ये है। सही है। और जो पंचायती और 5-2 का होता है, उसमें जो फर्जी आईडी भी बनवा लेते हैं, वो बहुत ही गलत है खिलाड़ियों के लिए। तो नेक्स्ट है भाई, जो यंग प्लेयर हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसे इस गेम में सुधार करना चाहिए? भाई मैं यंग प्लेयर तो ये कह रहा हूँ कि पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, नौकरी लगो, उसके बाद वाली खेलो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, खेलो। और जो हमारे मैच होते हैं ना पुराने, उस मैच को देखो, उस मैच देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई कौन प्लेयर बहुत कैसे खेलता है, कैसे नहीं खेलता, कौन कैसे खेल रहा है। भाई बहुत ही अच्छी बात कही, इम्पोर्टेंट बात कही। सबसे पहले इस गेम से पहले अपनी पढ़ाई को अहमियत दो और अपने घर के काम को, उसके बाद ये गेम है, क्योंकि इसमें अभी इतना ग्रो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है ये गेम, बस खाली मनोरंजन के लिए ये गेम है। तो बहुत ही अच्छी बात कही जॉन सिन्हा भाई ने। और भाई जॉन सिन्हा, आपकी दिनचर्या क्या है, मतलब डेली कितना प्रैक्टिस करते हो, एक्सरसाइज या कुछ भी जो भी है थोड़ा शेयर करें भाइयों के। भाई मैंने जिम खोल रखी है, सुबह मैं करीबन 8 बजे उठूँ और फिर जिम मारूँ, शाम में अच्छा, शनिवार एतवार खेलते हैं हम, वो भी हमारे गांव में खेलते नहीं, भाई खोड़ गांव है, खेती आवास गांव था, हम वहां खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो भी सप्ताह में 2 बार करते हैं और अच्छा उसके अच्छा अलावा सीधा टूर्नामेंट ही खेलते हैं, अच्छा, हफ्ते में 1-2 दिन ही एक दो दिन खेल ही पाते खेलते हैं हम हो बस। और बाकी जिम करते हो, वैसे भी और शरीर पहलवान जैसा ही दिखता है आपका, बहुत ही नहीं, अच्छी बात है, जिम करते हैं। और एक बार जॉन सिन्हा भाई, हैंड ग्रिप भाइयों को दिखा दो, ताकि और भी भाई भाई मेरी हैंड इसी ग्रिप तो तरह, नॉर्मल है, फिर भी मेरे दिखा खाली दो मैं है ना थोड़ा कई, आगे निकल। मैं खाली गुट्ठा बसाता हूँ पीछे से, ऐसे गूठा कैसा? बस ऐसे गुट्ठा बसाता हूँ, जैसे हाँ एक गुट्ठा हाँ बसा के, और ऐसे है मेरी हैंड ग्रिप। अच्छा, आगे से ऐसे हाँ खुला कई है रखते आमली हैं। फंसाते हैं, मैं खाली हाँ पीछे का गुट्ठा गुट्ठा बसाता हूँ ये यहाँ हाँ बस, अच्छा, और मेरे ये हैंड ग्रिप बहुत ही है। अच्छी हैंड ग्रिप है भाई, पावरफुल शॉट मारते हैं, उछल के जो शॉट मारते हैं, बहुत ही भयंकर शॉट मारते हैं भाई, मैं भी भाई का दिल से फैन हूँ, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शूटिंग बॉल गेम के अलावा और भी कोई गेम खेला आपने अपनी लाइफ में, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में या अभी भी खेल रहे हो? भाई वाली से पहले मैं कुश्ती करता था, पहले कुश्ती अच्छा, करी होड़ी है मैंने उससे पहले, और उसके बाद मैंने 2016 में वाली स्टार्ट की थी। अच्छा अच्छा
पहले क्या था कि एक विकास यही है जो मेरा दोस्त है, हाँ मैं जी उनके साथ 2015 में मैच देखने आता था, खेलता नहीं था मैं उसके साथ, वैसे ही मैच देखने आता था अच्छा अच्छा उसके साथ। धीरे धीरे मेरे चस्का लग गए वाली का, तो मैंने 2015 के बाद ही वाली स्टार्ट करी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। भाई कुश्ती करते थे और बहुत ही अच्छी बात है भाई ने शेयर किया आप सभी के लिए। और आप भाई जॉन सीना कब से खेल रहे हैं? 2016 से बताया भाई आपने। 2015 में मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब खेलना स्टार्ट किया था, अच्छा और जैसे पहले मैं पथरेडीबी में भी खेला हुआ था, अच्छा जी और उसके बाद फिर मैं जैसे कि कभी खेल लिया, मतलब जैसा था कि मैं देखने जाता था जिस टीम में प्लेयर नहीं होता था ना, उसमें कभी थर्ड में कभी सेड में मैंने हाथ मारा था, और धीरे 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 फिर आदत बन गई। बिल्कुल बिल्कुल भाई सही है। और आपने मतलब शूटिंग वॉलीबॉल जब से खेलना स्टार्ट किया उसके बीच में आपने प्योर टाइट या मीडियम टाइट के भी मैच खेले हैं भाई? हाँ भैया, मैं मीडियम गेम मुझे ज़्यादा बेस्ट पसंद है। अच्छा मैंने अच्छा ज़्यादातर मैंने टूर्नामेंट राजस्थान में मीडियम ही खेला है, अच्छा मीडियम के रेवाड़ी में। टूर्नामेंट हाँ खेले मीडियम ही हैं, खेला है। बहुत अच्छी बात है भाई की। और भाई जो ये पिछले वीडियो होते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है काफ़ी भाइयों का है, अमित भाई का भी है, आसू भाई का भी है, हमारा भी है, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो कि इन्हीं मैचों की वीडियो डालते हैं, पिछले अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं। तो इन वीडियो को मतलब मैच के वीडियो को देखने से गेम में इम्प्रूवमेंट होती है कुछ? आपका क्या मानना है इस बारे भाई में? सबसे सबसे बेस्ट है आज के टाइम में क्या होता है, कभी हम जैसे वाली खेलते हैं तो बहुत से प्लेयर बॉल बिगाड़ देते हैं, फिर कहते हैं मैंने एक बिगाड़ी, मैंने दो बिगाड़ी। हाँ ये हाँ सबसे बेस्ट है, हारने के बाद अपने मैच देखो, बिल्कुल और बिल्कुल, उससे मैच पता देखने लग से इम्प्रूवमेंट होता है कि मैंने ये गलती की है, उसने ये गलती बिल्कुल की है। उसमें पता लग जाता है किस हाँ प्लेयर ने किस कितनी प्लेयर ने बिगाड़ कितनी गलती रखी करी है। और क्या हाँ गलती की है, नेक्स्ट टाइम ना करें। बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है, अपने मैच देखो हारने के बाद जीतने के बाद, और जो जितने मैच देखेंगे ना तो देखने से ही मैच में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। बिल्कुल भाई, मेरा भी यही मानना है भाई जॉन सीना। और चैनल के माध्यम से आप सभी व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाली पहले तो ये है, पहले अपने काम धंधा पे लगो, बिल्कुल भाई ठीक है, और उसके बाद सक्सेसफुल हो जाओ तो वाली खेलो। और जो चैनल है ना ये एक नंबर है, इससे है ना जैसे कि एक दो भाइयों से, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले हमने भी जैसे कि भाई पहले स्टार्टिंग का दानवीर भाई था और कमल जयपुर थे, बहुत से प्लेयर थे, हमने नाम सुने थे। अब धीरे धीरे हम यहाँ हमारे एरिया में आने लग गए तो हम इनको जानने लग गए, पहले हम जानते नहीं थे प्लेयर को, नाम नाम सुना था कि भाई वो प्लेयर वो है। तो अब इन चैनल के माध्यम से ये हो रहा है आजकल, जैसे कि भाई आजकल देख लेते हैं, जैसे भाई यूपी शास्त्री है, मैंने शायद अभी एक टूर्नामेंट था ना, अभी ये कहाँ टूर्नामेंट था, उसमें मैंने उसकी शक्ल देखी थी। उससे पहले अच्छा मैंने, हाँ कटौती में ही। हाँ हाँ उससे भाई पहले क्या था कि हम जैसे कि अब चैनल के हिसाब से देखे करते हैं भाई, जैसे यूट्यूब पे फेसबुक पे हाँ, मैच में ही मैच देखा देख था। लिया या तो हाँ, तो इंटरव्यू बहुत देख से लिया। प्लेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल हमने बिल्कुल देखा यूट्यूब पे ही देखा है खाली, बस उसकी शक्ल, बिल्कुल बिल्कुल वैसे देखा नहीं है। और भाई सब भाई सपोर्ट करो। और भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी जो वाली है ना, जो मेरी वाली में जो सबसे बड़ा मेरा योगदान है मेरे खिलाने का, वो मेरा उस्ताद है सेट्टा सुंदरोज। हाँ, जो आपके गुरु हैं वो हाँ सेटा है सेट्टा है, जो कि सुंदरोज। देखो जो सेट्टा है उसने ही क्या था कि जो एक प्लेटफार्म मिलता है ना जिससे आदमी धीरे 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 ऊपर आता है, अच्छा तो अच्छा जब मेरा गेम नहीं था, जब सेट्टा ने अपनी टीम में सुंदरोज में सबसे पहले उसने मैं खिलाया था और लंबो टाइम खिलाया मेरे को, और जो अच्छा आज नाम है जो फेम है थोड़ा मोटा लोग मेरे को जानता है, तो सारी जो देन है वो भाई सेट्टा की है, सुंदरोज की है, वो मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ। और भाई मेरा बेस्ट प्लेयर कमल जयपुर है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जॉन सीना का। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ जॉन सीना, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का। और वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करें, जो नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खेल से संबंधित वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे, टूर्नामेंट के HD क्वालिटी में मैच मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी। राम राम।